का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 6 और विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की हम बात करें और पाठ चल रहा है हमारा तीसरा। तीसरा पाठ हम पूरा कर चुके हैं, इसके प्रश्न उत्तर रह चुके हैं। हमने पहला, दूसरा और तीन प्रश्न कर लिए। चौथा प्रश्न हम बात करेंगे। देखो आओ चर्चा करें में चौथा प्रश्न कौन सा है। इस अध्याय में पक्की मिट्टी, पक्की मिट्टी को क्या कहते हैं, टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। उनमें से कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे। अब मिट्टी से बने खिलौनों की सूची बनानी है हमें, क्योंकि आप बच्चे और आपको पसंद है ना कि खिलौने पसंद है ना, मिट्टी के खिलौने बनाते हो। मिट्टी के खिलौने देखो कौन से पसंद है। अब इस पार्ट में बहुत सारे खिलौने आए थे ना। अब हम देखते हैं मेन मेन जो खिलौने कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे खिलौने तो आप नहीं तो लिख पाओगे नहीं खेल पाओगे। खेल लोगे क्या? तो नहीं खेलोगे। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से खिलौने आए थे। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिए हैं, इसमें अपने निकालते हैं कौन कौन से खिलौने। तो मैंने कहाँ से पार्ट स्टार्ट किया था, उसके शुरुआत आपको कुछ मिल जाएगी। नगरीय जीवन है, आ देखो यहाँ से जो जो खिलौने आए हैं अपनी कॉपी में उतारते रहना, मैं आपको आराम से बताता रहूँगा, क्योंकि मिट्टी से बने, ठीक है, खिलौनों के रूप में कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये देखिए छोटे छोटे आपके खेलने के लिए, देखो ये मिट्टी से बनाए गए खिलौने, ये ठीक है, ये मिट्टी से बनाए खिलौने, इनको क्या कहते हैं। देखो मोहनजोदड़ो की और ये पक्की मिट्टी के खिलौने, अब इनके नाम क्या है हमें ये पता नहीं चल रहा है। आप इनको लिख लेना मिट्टी के खिलौने, क्या लिखोगे, ऐसे लिख लेना मिट्टी के बैल, ऐसे लिख लेना, एक तो लिखना मिट्टी के बेल, क्योंकि हमें ढूंढने पड़ेंगे ना पूरे पाठ में, ये प्रश्न कह रहा है पूरे पाठ में, इसको लिखना मिट्टी के बेल, मिट्टी के बेल, एक तो ये उतार लो। देखो पक्की मिट्टी के खिलौने है ना, ये छोटे छोटे बेल है, बेल की आकृति के, इसको लिख लो मिट्टी के बेल, लिख लोगे ये मिट्टी के बेल, कॉपी में उतार लो पहले और फिर साथ साथ में बाद में कॉपी जो आपने प्रश्न किए हैं वहाँ उतार लेना। फिर देखो और कौन कौन से हैं इसके अंदर, पत्थर के बाट आ जाएंगे, देखो ये भी लिख लेना, पत्थर के बाट आ जाएंगे, क्या लिखोगे, पत्थर लिख लेना, मिट्टी के या पत्थर के बाट, पत्थर के या लिख लेना बाट, लिख लेना बाट, बाट देखे ना तोलने वाले बाट, तो पत्थर बाट लिख लो, क्योंकि हमें बस खिलौने के रूप में ही लिखने हैं क्योंकि बच्चा इनको खेलता है, बाट पत्थर के बाट। फिर देखो और चीज़ें क्या क्या, ये अपने देख लेते हैं जो बच्चों के खेलने की होती है। क्योंकि दो तीन ही है, ज़्यादा नहीं है। शंख, शंख होते हैं ना शंख, पत्थर और इनके शंख, एक लिख लेना शंख, शंख लिख लेना शंख, छोटे बच्चों का खेलने का शंख आ जाएगा, शंख लिख लिया, बाट है शंख है, गाड़ी लिख लेना, ये गाड़ी लिख लेना, एक गाड़ी बस सीधे लिख लेना आप, गाड़ी छोटी सी बनाई, मिट्टी क्या बनाते हो ना खेलते हो, गाड़ी लिख लेना, गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी, ऐसे लिख लेना, किसकी, मिट्टी की गाड़ी, क्योंकि शुरुआत इन्होंने प्रयोग इससे किया था मिट्टी की गाड़ी, फिर धीरे धीरे और प्रयोग होने लगे, मिट्टी की गाड़ी से खेलते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए बनाना है, लिख लिया। फिर देखो हल, मिट्टी का हल, देखो है ना हल के आकार के खिलौने मिले, मिट्टी का हल लिख लेना, मिट्टी का हल, मिट्टी की गाड़ी फिर मिट्टी का हल, हल है ना हल, जैसे ये हल है मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का हल कैसे लिखोगे, मिट्टी का
हल, या सीधा लिख लेना हल, मिट्टी का हल। तो जल्दी में होता है ना, तो वीडियो को रोक लिया करो, रोक के और फिर लिख लिया करो, ताकि आराम से मिट्टी का हल। फिर है कोई और एक आधा शब्द और, अब देख लेते हैं, सारे के सारे पत्थर आ गए, धातु आ गए, ये तिट ठीक है, ये खिलौने के रूप में थे, ध्यान रखना, और तो नहीं है ज्यादातर ये। प्रश्न कौन सा हो गया, चौथा। अब पांचवा प्रश्न देखो, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ, आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाकर बताओ। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री और उस सामग्री में हम क्या क्या खाते हैं, यानी तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगा के। तो पांचवा प्रश्न देखो, चलें हड़प्पा की खान पान की तरफ चलें, क्या क्या खाते थे वो। तो इस पार्ट में हमें ढूंढना है, देखो नगरों में रहने के लिए भोजन, अब यहां से देख लो, हड़प्पा के लोग, यहां से लगा लेना साथ में, गेहूं हम भी खाते हैं, जो हमारे होता है दाल मटर धान तिल सरसों हम सब उगाते हैं, एक तो ये लिखना, ये खाते हैं, ऐसे लिखना, हड़प्पा के लोग गेहूं जो दालें मटर धान तिल सरसों खाते थे, ऐसे लिखना, खाते थे, जो हम भी खाते हैं, जो हम भी खाते हैं, जो हम भी खाते हैं, लिखना। अब देखो आप कहो तो सरसों कहाँ खाते हैं, सरसों का तेल होता है ना, सब्जी बनाने के लिए काम आता है, तिल भी होता है, तिल का तेल भी होता है, ये सारे प्रयोग आते हैं, जो हम नहीं खाते, लेकिन कई राज्यों में क्या है, जौ की रोटी बनती है। तो ध्यान रखना, हड़प्पा के लोग गेहूं जो दाल मटर धान तिल सरसों खाते थे, लिख लेना, जो हम भी खाते हैं, ऐसे लिख लेना। तो पांचवें का उत्तर आ जाएगा, क्या लिखोगे, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, यहां से निशान लगाना है, और ये उगाते हैं ना उगाते, इसकी जगह लिख लेना खाते थे, क्या लिखना है, खाते थे, फिर लिखना है जो हम भी खाते हैं, जो हम भी खाते हैं, ऐसे लिख लो, ठीक है, हड़प्पा के लोग, लिख लिया, और देख लो दोबारा, जो हम भी खाते हैं, रोक कर वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये हड़प्पा की है, और तो बस यही खाते थे मेन शुरुआत, और हमें लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो छठा प्रश्न क्या है, शिकार भी करते थे, हमें शिकार नहीं करना। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उनके किसानों से भिन्न था, जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा, अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था, जिनके बारे में तुमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। अब देखो पिछली कक्षा में जो अध्ययन किया वो याद है क्या आपके, क्या यह याद नहीं है, तो देख लेते हैं, इसमें आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको सीधा लिखा देंगे। तो ग्रामीण स्वशासन चलते हैं, नगरीय जीवन आ गया, हम चलते हैं कहाँ पे, ग्रामीण पे। हड़प्पा की कहानी आ गई, अब तो इसमें दिया है तो लिख लेंगे, नहीं तो उनको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए, किसान अलग थे, यहाँ से देखिए, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, पहले वाले लोग हल का प्रयोग नहीं करते थे, हड़प्पा के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, संभवतः पानी का संचय किया होगा। तो इसको आपको यहाँ से लिखना है, छठा प्रश्न है, यहाँ से लिखना है,
और क्या छोड़ना है, ये छोड़ देना इतना, और इतना लिख लेना बस, ये लाइन है ना, ये छोड़ देना, ये आपके काम की नहीं, क्योंकि खिलौने मिले हैं बस, जरूरत ही नहीं है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, पहले नहीं होता था, सिर्फ सीधा ही फसल उगाते थे, तो यहाँ से लगाकर और ये देखो मिल गए, अलग होता था, सिंचाई करते थे, पहले तो बारिश होती थी फसल होते थे, तो इन किसानों में और इन किसानों में अंतर होता था। ये छठे का उत्तर लगा लेना इस लाइन को छोड़कर, तो आराम से लगा लो, क्योंकि चौथा पाँचवा और छठा प्रश्न पूरा हो गया। अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, कल से चौथा पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लगा लिया? हाँ, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है, बढ़िया तरीके से, और होमवर्क साथ साथ में कॉपी का काम करते रहना। सर आपका समय समय पर कॉपी चेक करते रहते हैं, सभी की कॉपी एक बार चेक होगी होगी, जो विद्यार्थी बच गए उनकी कॉपी भी चेक हो जाएगी। ये प्रश्न उत्तर कर लेना, तीन पिछले वीडियो में करवाए थे और तीन है यहाँ करवा दिए, तो पूरा आपका पाठ हो गया। जिस विद्यार्थी ने पहले वाले नहीं किए, तो थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ये सुमेलित करना, जिसको नहीं बताया वो भी कर लेना। तांबा है वो राजस्थान से, सोना है वो कर्नाटक से, टिन है वो गुजरात, यह से बहुमूल्य पत्थर है गुजरात से, ये भी मैंने निशान लगवा दिए। तो ये अपना पाठ हो गया पूरा, इनके प्रश्न उत्तर साफ साफ तरीके से बढ़िया तरीके से करना है, जल्दी आपका स्कूल लग जाएगा, फिर स्कूल में आपको फिर आपकी कॉपी चेक की जाएगी, फिर और रहेगी ना जिसके, अब कई विद्यार्थियों के प्रश्न रह जाते हैं तो उनके आराम से फिर अपने करवाएंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रारंभिक तीसरा पाठ पूरा हो गया, अब कल चौथा पाठ पढ़ेंगे।